दोस्तों जियो यूजर को लगा है बड़ा झटका। यस दोस्तों, जियो की तरफ से एक बड़ी दुखद खबर आपको यहां पे मिलने वाली, क्योंकि जिस चीज का मैं इंतजार था वो होने वाली नहीं है, क्योंकि यहां पे एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने आयुष चार्जेस कंप्लीटली यहां पे हटा दिए, अनलिमिटेड कॉल कर दिए। और बात है ये की जा रही थी कि जियो भी आने वाले एक दो दिन के अंदर दोस्तों यहां पे अपडेट दे देगा और अपने आयुष चार्जेस को हटा देगा। दोस्तों अपडेट तो आया लेकिन इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, बुरी खबर है, जियो आयुष चार्जेस नहीं हटाने वाला है। यस दोस्तों, क्या है पूरी की पूरी न्यूज, जियो ने क्यों ऐसा कहा है और क्या है दोस्तों इस चीज के पीछे, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर टैरिफ्स हाइक दोस्तों हो चुका है, ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा यहां पे टैरिफ्स लोगों ने बढ़ा दिए। वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ाया, जियो ने भी दोस्तों बढ़ा दिया, सभी ने दोस्तों अपने प्लान्स को ऑलमोस्ट 40 से 42%, कहीं कहीं पे तो 50% तक का हाइक यहां पे कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर से यहां पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने यहां पे अपने टैरिफ्स हाइक को चालू कर दिया है और 6 तारीख के बाद जियो ने भी दोस्तों यहां पे अपने नए बड़े हुए टैरिफ्स को यहां पे मार्केट में ला दिया है। मतलब आपको जो पुराना प्लान 100 रुपए मिलता था आपको वहां पे ऑलमोस्ट 140 रुपए मिलने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो गलती यहां पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने की थी उसको उन्होंने सुधार लिया, उन्होंने दोस्तों यहां पे क्लियर कर दिया था कि हम भी यहां पे आपको आयुषी चार्जेस लगाएंगे। कुछ कैपिंग के साथ दोस्तों इनके प्लान लॉन्च किए गए थे जहां पे 1000 मिनट 2000 मिनट आपको मिलते थे, लेकिन लोगों का भारी विरोध इनको देखने को मिला ट्विटर पर सब जगह। उसके बाद दोस्तों दोनों ही कंपनी लाइन पे आ गई, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया ने, एयरटेल ने दोस्तों यहां पे क्लियर कर दिया कि अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड है, हम किसी भी तरह का यहां पे आयुषी चार्जेस नहीं करेंगे। मतलब हमारे नेटवर्क पे आपको अनलिमिटेड कॉल मिलने वाले, आप कहीं भी कॉल कर लीजिए, जियो पे, एयरटेल पे, वोडाफोन पे, बीएसएल पे, किसी भी कॉल कर लीजिए नेटवर्क पे, किसी भी तरह की कैपिंग हम यहां पे नहीं देंगे। तो वोडाफोन आइडिया ने शुरुआत करी, एयरटेल ने शुरुआत करी और क्लियरली आपको अनलिमिटेड मिल गया। उसके बाद दोस्तों दबाव था जियो पे दबाव इसलिए था कि जियो को दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे बोला जा रहा था कि इन सभी ने कम कर दिया, क्योंकि रेट तो 40% बढ़ा दिए, अब यहां पे जियो शायद तक यहां पे जीरो कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, जियो से दोस्तों पूछा गया कल यहां पे, तो जियो ने क्लियर कर दिया कि हम यहां पे आयुषी चार्जेस नहीं हटाएंगे। यस दोस्तों, हम आयुषी चार्जेस हटाने वाले नहीं है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आयुषी चार्जेस यहां पे हट जाएंगे तो जियो की तरफ से बड़ा झटका आपको लगा होगा कि जियो ने क्लियर कर दिया कि हम आयुषी चार्जेस नहीं हटाएंगे। उसके पीछे एक दलील यहां पे जियो ने दी कि हम आयुषी चार्जेस क्यों हटाएं, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्लान ऑलमोस्ट 25% सस्ते हैं। यस, ऑलमोस्ट 25% सस्ते हैं, 25% से ज्यादा बेनिफिट्स यहां पे देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि प्लान कंपेयर करता हूं। अगर बात करते हैं जियो के 199 वाले प्लान की, 28 दिन वाले प्लान की बात करते हैं, तो जियो 199 के अंदर आपको रोजाना 1.5 GB डेटा देता है, 100 SMS, 28 दिन की वैलिडिटी देता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 1000 आपको मिनट वहां पे दे देता है कॉलिंग के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं दूसरी कंपनी 28 दिन के लिए, तो ऑलमोस्ट वोडाफोन आइडिया या एयरटेल की बात करो तो 249 मतलब 250 रुपए समथिंग लेते हैं, 50 रुपए ऑलमोस्ट ज्यादा लेते हैं जियो से। ऑलमोस्ट यही सारी चीजें आपको मिलती है, 1.5 GB डेटा वगैरह। लेकिन आपको बता दो दोस्तों वहां पे आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं। यस, अनलिमिटेड कॉल्स आपको मिलते हैं, वहां किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है। जियो 50 रुपए सस्ता तो दे रहा है वहां पे, लेकिन कैपिंग नहीं है। अब मैं आपको 56 दिन के प्लान की बात करता हूं, तो 56 दिन के अंदर अगर जियो की बात करो तो 444 वाला प्लान है, 256 डेज की वैलिडिटी आता, मतलब 2 महीने वाला प्लान है, 2 GB रोजाना आपको डेटा देता है, अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह। लेकिन अगर बात करते हैं अदर नेटवर्क पर कॉलिंग की, तो जियो सिर्फ आपको 2000 मिनट देता है, 2000 मिनट आपको दोस्तों यहां पे मिलती है, मतलब बहुत कम आपको मिलती है। लेकिन अगर बात करो 56 दिन की, अगर एयरटेल आइडिया वोडाफोन की प्लान, तो वो आपको ऑलमोस्ट यही रेट में मिल जाते हैं, 448 और 449 के अंदर आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है, रोजाना 2 GB डेटा मिलता है, सब कुछ अनलिमिटेड। मतलब 56 दिन में तो यहां पे जियो को पीछे छोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट वही सेम प्राइस में आपको 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं, जियो आपको अनलिमिटेड कॉल नहीं देता। तो कुछ फर्क आता दोस्तों, लेकिन ज्यादा मेजर फर्क मुझे यहां पे देखने को नहीं मिलता प्लान्स के अंदर। 40-50 रुपए का फर्क आता है, जियो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन अनलिमिटेड कॉलिंग आपको जियो में नहीं मिलती है, जियो आपको कैपिंग के साथ आता है। जियो आपको 2000-3000 मिनट देता है, अगर आप 2 महीने के लिए जाएंगे तो 2000 मिनट मिलेंगे, 3084 डेज के प्लान में जाते हैं तो 3000 मिनट मिलते हैं, मतलब हर महीने आपको 1000 मिनट मिलते हैं, वो बहुत ही बुरी चीज यहां पे मुझे लगती है। अब दोस्तों अगर आप जियो यूज कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको यहां पे अदर नेटवर्क पे कॉल अगर आप बहुत कम करते हैं, 1000 मिनट से आपका काम चल जाता है, तो जियो आपके लिए बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप कॉलिंग अनलिमिटेड करते हैं, गर्लफ्रेंड से लगे रहते हैं,
रिलेटिव्स में लगे रहते हैं, फोन पे आपका बिजनेस या आपका फोन पे चलता है, आप यहाँ पे अदर नेटवर्क पे बहुत सारा कॉल करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप जियो के साथ जाएंगे या आपको यहाँ पे स्विच करके जाना पड़ेगा एयरटेल वोडाफोन आइडिया, क्योंकि जियो ने तो दोस्तों क्लियर कर दिया कि आईयूसी चार्जेस नहीं हटाने वाले, वो जो है दोस्तों डंडा आप पे लगा रहने वाला है। आईयूसी मिनट्स आपको परचेस करने पड़ेंगे, जैसे आपका ये कॉलिंग खत्म हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 6 पैसा पर मिनट यहाँ पे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे एयरटेल वोडाफोन आइडिया किसी भी तरह की दोस्तों आईयूसी नहीं लगा रहे। और एक जस्टिफिकेशन ये भी दिया जा रहा है जियो की तरफ से, अगर हमने हटा दिया, अगर हमने यहाँ पे आईयूसी हटा दिया तो फिर से जो यहाँ पे 60% जितने एयरटेल आइडिया वोडाफोन के जो 2G कस्टमर है वो फिर से यहाँ पे मिस कॉल की बारात ला देंगे, मतलब मिस कॉल मारेंगे, और फिर से जियो वाले अगर अनलिमिटेड हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉल करा करेंगे उनको, क्योंकि वो आपको मिस कॉल देंगे 2G वाले और आप यहाँ से कॉल करेंगे घंटों तक, और उसके बाद फिर से इनका आईयूसी का जो घाटा है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन जियो की तरफ से आ रही है कि हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% सस्ता दे रहे हैं, ज्यादा डेटा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे बेर नहीं कर सकते, अनलिमिटेड कर दिया तो सबके सब मिस कॉल मारेंगे, फिर हमारा आईयूसी चार्जेस और बढ़ जाएगा, मतलब हमको ज्यादा घाटा देना पड़ेगा, ये वो न जाने क्या क्या एक्सप्लेनेशन आ रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इन्होंने 40% तक दोस्तों यहाँ पे अपने टैरिफ हाई कर दिए, जब प्लान 1.5 गुना महंगा कर दिया तो प्रॉफिट भी इनका 1.5 गुना हो चुका है, तो डेफिनेटली इनको आईयूसी चार्जेस हटा देने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, जियो को आईयूसी चार्जेस हटाने चाहिए या जो इन्होंने किया है, जो डिसीजन लिया दोस्तों जियो ने कि आईयूसी चार्जेस नहीं हटाएगा ये सही है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको जियो से स्विच करके अगर जाना हो, पोर्ट करके जाना हो, तो क्या आप एयरटेल के पास जाएंगे या वोडाफोन के पास जाएंगे, आइडिया के पास जाएंगे, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों, तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेगा मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।